हाई गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल सो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली हाउ टू एड कॉलम चार्ट और बार चार्ट इन एक्सल सो इसके लिए पहले आपको एक बेसिक सर डेटा क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप एजे एग्जाम्पल देखना चाहते हो और मतलब मैनुअली आप क्रिएट कर रहे हो सो so, इसके लिए आपके पास ऑब्वियसली एक डेटा होगा उसका आपको चार्ट क्रिएट करना है सो so, मैंने uh, यहाँ पे एक डेटा ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है जो कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैं कुछ और मंथली uh, बेसिस पे उनके रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके बाद उनका टोटल सम है मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू निकाली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी कॉलम uh, चार्ट जो है उसे क्रिएट कर लिया है राइट right? सो so, अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत इजीली अब इसको क्रिएट कैसे किया है उसका क्या प्रोसेस है किस तरह कैसे करना है यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है तो उसके लिए आपको पहले जाना होगा एक्सेल में और वहाँ पे आपको ओपन करना होगा इंसर्ट टैब राइट सो बेसिकली आप इंसर्ट टैब में जाओगे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऑब्वियसली राइट सो लेट्स वेट टिल ये ओपन होता है ओके, okay. सो so, पे आप देख सकते हो कि काफी सारे इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, आई नो राइट एवरी वन हर एक टैब के अंदर कुछ बेसिक uh, बेसिक ग्रुप्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं राइट सो यहाँ पे टेबल एड चार लिंक्स टेक्स्ट, सिम्बल्स ऐसे काफी सारे आपको ग्रुप्स मिलेंगे उसी के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक चार्ट का ग्रुप है सो so, उसको कैसे Uh, मतलब अब हम स्क्रीन पे कैसे उसके साथ वर्क करके चार्ट्स को यहाँ लेके आए सो so, उसके लिए आपको इसमें देख सकते हो कि जो भी चार्ट आपको एरिया यहाँ पे क्लिक करना मतलब क्रिएट uh, करना है एक्चुअली सो हम अभी कॉलम चार्ट का देखने वाले हैं सो यहाँ ये दिस इज द कॉलम चार्ट राइट सो दिस इज द कॉलम चार्ट या फिर आप इसे बार चार्ट भी कह सकते हो इसके अंदर बार चार्ट भी होता है बस uh, उसकी जो है ना डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है राइट right? सो so, ये कुछ इस तरह होती है तो वो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली में कुछ चेंज होती है सो so, ये यहाँ पे आप जैसे सिंपली क्लिक करोगे तो देख सकते हो दिस इज द कॉलम वन एंड दिस इज द बार राइट सो ये जो टू डी कॉलम्स है यहाँ पे थ्री डी कॉलम्स हो गए देन वी हिस्स टू डी बार एंड थ्री डी बार राइट सो यहाँ पे आपको कोई भी एक जो है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा uh, मतलब आप अपनी चॉइस से देख सकते हो कि आपको क्या सेलेक्ट करना है राइट सो वेट यहाँ पे मान लिया मैंने टू डी कॉलम के अंदर जो सेकेंड ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे चूज करते हैं right? राइट सो so, मैंने इसको चूज़ कर लिया तो ये एरिया आप देख पा रहे होंगे ना अभी जो बहुत ही बेसिकली जो एरिया है अभी ब्लैंक है अब इसके अंदर हमें डेटा कैसे एंटर करना है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर टैब में इट मीन्स मेन्यू बार में ऑलरेडी आपको जो चार डिज़ाइन का जो टैब है वो ऑलरेडी ओपन हो जाएगा उसके अंदर आपको डेटा ग्रुप में जाना है देन आपको वहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है देन यहाँ पे सेलेक्ट डेटा सोर्स नेम से एक पेन ओपन हो जाएगा उस पेन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज चार डेटा रेंज उस चार डेटा रेंज में आपको डेटा रेंज एंटर करना है वो डेटा रेंज आप जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है उस डेटा को इसमें मतलब सेलेक्ट करके या फिर आप सिंपली टाइप करके भी डाल सकते हो राइट सो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर से लेके एंड इट मींस ए टू से लेके कर एफ नाइन तक जो भी डेटा है उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ सो so, मैंने यहाँ पे डेटा रेंज डाल दिया है उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके okay पे क्लिक कर देना राइट right? और कुछ आप लेजेंड uh, एंट्रीज करना चाहते हैं या फिर कुछ एडिटिंग है तो यहाँ पे आप कर सकते हो राइट देन आपको सिंपली ओके okay पे क्लिक कर देना है देन ये जो बेसिक डेटा है वो क्रिएट हो जाएगा अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो हैं इसमें बाकी हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें चेंजेस लाएंगी बस थोड़े थोड़े चेंजेस जो आप इस एरिया में देख पा रहे होंगे जो मैंने पहले बनाया था राइट सो so, उसके लिए आपको क्या करना है क्विक लेआउट पे जाना है जो कि बेसिकली लेआउट को चेंज कर देता है राइट बहुत सिंपल है अब मान लें जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी लेआउट चूज़ कर लिया लाइक दिस वन दिस इज द वन लेआउट आप अपनी चॉइस से जो भी लेआउट देना चाहो वो दे सकते हो दिस इज़ द वन जो मैंने सबसे पहले बना के रखा हुआ है हम यहाँ पे कुछ और देखते हैं राइट इस टाइम पे सो ये देख सकते हो ये पूरा एक सेम कुछ उसी का है नया लेआउट यहाँ आ गया राइट सो आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल भी देख सकते हो जो भी आपको एक्सेस का टाइटल देना है एक्स वाइज और जो एक्सेस होता है उसका टाइटल भी आप दे सकते हो सो इसको हम एक कोई भी लेआउट चूज़ कर लेते हैं राइट right, सिंपल सा अब मैंने उसे डिफरेंट चूज़ किया ताकि आप थोड़ा सा मतलब देख सको कि पहले वाला कैसा था और उसको बस मैंने किस तरह से यहाँ पे यूज़ किया अब चाहो तो आप यहाँ पे चार टाइटल का ऑप्शन मिलेगा उस चार टाइटल के अंदर आप कुछ डाल सकते हो लेकिन मैं चाहो तो यहाँ पे हाफ अर्ली भी दोबारा लिख के या फिर मटेरियल्स डाल सकती हूँ राइट right? सो so, आप चाहो तो कुछ भी आपका जो डेटा है उससे रिलेटेड जो भी चीज है उसका ये जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो उससे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम चार्ट सो ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस था जिस तरह से आप बेसिकली कैसे क्रिएट करना है कॉलम चार्ट वो इजीली क्रिएट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो बार चार्ट कैसे क्रिएट करना है उसे भी कर सकते हो सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बाय बायस